दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक और नए कमाल और फ्रेश वीडियो में, जहाँ पे मैं लेके आया आपके लिए टॉप 3 डिवाइसेस अंडर 12,000 रुपीस, जो कि इस प्राइस सेगमेंट में आने वाले काफी बेस्ट डिवाइस मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किए गाइस। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और बताता हूँ मैं आपको इन डिवाइस के बारे में। लेकिन आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था गाइस कि यहाँ पे अभी GST 12% से 18% हो गया है, तो इन सभी डिवाइस की प्राइस यहाँ पे 1000 से बढ़ गई है। तो इस नए प्राइस को कंसिडर करते हुए मैंने ये डिवाइस सिलेक्ट किया है। तो चलिए देखते हैं कौन से ये डिवाइसेस। मेरा नाम है मयूर, आप देख रहे हैं MSBTech। तो जहां तक बात है गाइज, इन 3 डिवाइस की मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 डिवाइस सिलेक्ट किए, क्योंकि मैंने 10,000 से लेकर 12,000 के बीच में आने वाले कुछ डिवाइस यहाँ पे सिलेक्ट किए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम 10,000 के अराउंड कोई डिवाइस सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो इस प्राइस सेगमेंट में मैंने ये डिवाइस सिलेक्ट किए, जो कि इस प्राइस सेगमेंट में सबसे बेस्ट डिवाइस यहाँ पे निकल के आते हैं गाइज। तो लिस्ट में थर्ड नंबर पे निकल के आता है गाइज Redmi Note 7 Pro, जो कि Xiaomi की तरफ से आता है। हालांकि ये थोड़ा अभी पुराना हो गया है, लेकिन फिर भी इस प्राइस सेगमेंट में आने वाला ये काफी बेस्ट डिवाइस निकल के आता है। इसमें आपको मिलता है गाइस 6.3 इंच का डिस्प्ले, जो कि आता है फुल HD रिजोल्यूशन के साथ में। IPS LCD पैनल आप में इसको देखने को मिल जाएगा, जबकि इसमें आपको ड्यूअल कैमरा मिलता है गाइस, जो कि 48 मेगापिक्सल के सोनी के IMX सेंसर के साथ आता है। उसी के साथ आपको यहाँ पे ड्यूअल कैमरे के साथ में ये डिवाइस देखने को मिलता है, जबकि आपको फ्रंट में यहाँ पे 16 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आपको इसमें आपको प्रोसेसर मिलता है गाइस स्नैपड्रैगन की तरफ से आने वाला स्नैपड्रैगन 675, जो कि काफी यहाँ पे इस प्राइस सेगमेंट में अच्छा परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड कर देगा। उसी के साथ साथ आपको यहाँ पे मिलेगी गाइस 4000mAh की बैटरी, जिसको आप 18W चार्जर के साथ चार्ज कर सकते हो। लेकिन आपको चार्जर यहाँ पे बॉक्स में सिर्फ 10W का ही मिलेगा। अगर आपको चार्जर खरीदना है तो आपको यहाँ पे एक्सटर्नल ये चार्जर खरीदना पड़ेगा। हालांकि आपको ये मी स्टोर पे 500 रुपीज में इसका चार्जर भी मिल जाएगा। अगर इसके प्राइस के बारे में आपको बताऊं गाइस, तो ये आपको मिलेगा 4GB और 64GB वेरिएंट के साथ में, जिसकी प्राइस अभी स्टार्ट होती है गाइस 10,999 रुपीज के साथ में। हालांकि ये उससे भी ज्यादा में लॉन्च हुआ था, बाद बीच में इसकी प्राइस और कम हो गई थी, लेकिन अभी जैसे मैंने बताया कि GST बढ़ गया है, तो उसकी वजह से और इसकी प्राइस 1000 से बढ़ गई है। तो उस हिसाब से आपको 10,999 रुपीज में अभी देखने को मिलेगा। तो इसको भी आप जरूर कंसिडर कर सकते हो, काफी बेस्ट डिवाइस इस प्राइस सेगमेंट में निकल के आता है। तो लिस्ट में सेकंड डिवाइस निकल के आता है गाइस, जो कि है वीवो की तरफ से आने वाला वीवो U20। तो इसको इस लिस्ट में रखने का सिर्फ एक ही रीजन है गाइस, जो कि इसका परफॉर्मेंस इसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा स्नैपड्रैगन की तरफ से आने वाला स्नैपड्रैगन 675। अगर इसके कैमरा के बारे में आपको बताऊं गाइस, तो यहाँ पे आपको काफी अच्छा कैमरा देखने को मिल जाता है, जो कि आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको देखने को मिलेगा प्राइमरी सेंसर, जो कि 16 मेगापिक्सल के साथ में आता है। सेकंड आपको वाइड एंगल सेंसर भी देखने को मिलता है, और उसी के साथ आपको थर्ड यहाँ पे माइक्रो लेंस के लिए भी सपोर्ट दिया गया है। अगर आपको इसके फ्रंट कैमरा के बारे में बताऊं गाइस, तो यहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलने वाला है। उसी के साथ यहाँ पे आपको मिलती है 5000mAh की मैसिव बैटरी, और इसको आप चार्ज कर पाओगे गाइस 18W चार्जर के साथ। तो इसकी खास बात यह है गाइस कि यहाँ पे आपको चार्जर बॉक्स में ही देखने को मिल जाता है, तो ये मुझे बात काफी पसंद है। लेकिन इसमें अगर आपको बताऊं तो Redmi Note 7 Pro और इसमें भी आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिलता है, जहाँ पे आप एक सिम और इसके साथ एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हो, या ड्यूअल सिम यूज कर सकते हो। ड्यूअल सिम के साथ आप मेमोरी कार्ड इसमें नहीं लगा पाओगे। अगर इसके प्राइस के बारे में आपको बताऊं गाइस, तो इसकी भी प्राइस स्टार्ट होती है गाइस 4GB रैम 64GB वेरिएंट के साथ में, जो कि अभी नई प्राइस निकल के आई गाइस, जो है 10,999 रुपीज। तो इसको भी आप जरूर कंसिडर कर सकते हो। तो लिस्ट में फर्स्ट नंबर पे निकल के आता है गाइस Realme 3 Pro। ये डिवाइस भी आप कह सकते हो कि काफी पुराना हो गया, लेकिन इस प्राइस सेगमेंट में आने वाला ये सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस डिवाइस मेरे ख्याल से यहाँ पे निकल के आता है। हालांकि जैसे कि आपको पता होगा कि अभी इसके बाद Realme 5 भी आ गया है, उसके बाद Realme 6 भी आपको देखने को मिला है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि Realme 3 Pro अगर आप 12,000 के अराउंड कोई डिवाइस सिलेक्ट करना चाहते हो, तो ये आप सबसे बेस्ट चॉइस हो सकती है, क्योंकि इसमें आपको देखने को मिलता है गाइस स्नैपड्रैगन की तरफ से आने वाला स्नैपड्रैगन 710 प्रोसेसर, और ये काफी इस प्राइस सेगमेंट में आने वाला बेस्ट परफॉर्मेंस प्रोसेसर इसको हम कह सकते हैं। उसी के साथ आपको यहाँ पे भी ड्यूअल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जबकि इसका आपको प्राइमरी सेंसर 16 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा। लेकिन इसकी खास बात यह है कि यहाँ पे आपको फ्रंट में देखने को मिलता है गाइस 25 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। उसी के साथ साथ आपको यहाँ पे भी 6.3 इंच का फुल HD रिजोल्यूशन वाला IPS LCD पैनल वाला डिस्प्ले यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अगर इसके बैटरी के बारे में आपको बताऊं, तो यहाँ पे भी मिल जाएगी आपको 4045mAh की बैटरी, और इसको आप काफी तेजी से चार्ज कर सकते हो। उसमें आपको बॉक्स में देखने को मिल जाता है गाइस फास्ट चार्जर, जो कि आपको 20W सपोर्ट के साथ में देखने को मिल जाता है, जिसको आप 50% तक सिर्फ 30 मिनट में चार्ज कर पाओगे। और ये मुझे काफी यहाँ पे अच्छा फीचर लगा, क्योंकि अभी के टाइम में क्या है कि इसके प्राइस के बारे में आपको बताऊं गाइस, तो ये डिवाइस स्टार्ट होता है 4GB रैम 64GB वेरिएंट के साथ में, जहाँ पे इसकी प्राइस निकल के आती है 11,999 रुपीज।
बस गाइस यही थे मेरे टॉप 3 डिवाइसेस। आप इनमें से किसी को भी सिलेक्ट करते हो तो आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होने वाली। अगर आप बिल्ड क्वालिटी में अच्छा कोई डिवाइस देखना चाहते हो गाइस, तो यहाँ पे Redmi Note 7 Pro आपको अच्छा पैकेज प्रोवाइड करता है। जबकि आप ओवरऑल पैकेज देखते हो तो जैसे मैंने मेरे लिस्ट पे भी फर्स्ट नंबर पे रखा था गाइस, जो कि था Realme का 3 Pro, इसके लिए आपको काफी बेस्ट प्रोसेसर इसमें देखने को मिल जाता है। उसी के साथ आपको यहाँ पे फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट है। और एक और इम्पोर्टेंट बात की यहाँ पे आप ट्रिपल सिम स्लॉट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, जबकि आप इसमें ड्यूअल सिम के साथ में मेमोरी कार्ड को भी यूज कर सकते हो और इसका परफॉर्मेंस आपको काफी हाई लेवल का देखने को मिल जाएगा। तो ये थे गाइस मेरे 3 डिवाइसेस, इनमें से आप किसी को भी सिलेक्ट करोगे बिल्कुल भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होने वाली। फिर भी मेरा सजेशन रहेगा गाइस कि इस प्राइस सेगमेंट में आने वाले ये बेस्ट डिवाइस है। तो जैसे कि आपको अभी पता चला होगा कि लॉकडाउन 17 मई तक होने वाला है, तो उसके बाद यहाँ पे आपको ये डिवाइस आप खरीद सकते हो। हालांकि हो सकता है कि इसके बीच में भी आपको ऑनलाइन सर्विसेज के कुछ सेल्स देखने को मिल जाए या ऑनलाइन सर्विसेज स्टार्ट भी हो सकती है, लेकिन फिर भी मेरा आपके लिए एक सजेशन रहेगा। जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि अगर आप डिवाइस लेना भी चाहते हो तो आप जल्दबाजी मत कीजिए। जैसे ये लॉकडाउन खत्म होता है, इनकी पाबंदियाँ हटती है, तो आप सीधा आपके और डिवाइस खरीदना नहीं, आपको थोड़ा वेट करना है, क्योंकि आपके हो सकता है आपको काफ़ी यहाँ पे अच्छे सेल या अच्छे ऑफर देखने को मिल जाए। तो आपको अंडर 15,000 में जो मिलने वाले डिवाइस है उनकी भी प्राइस आपको अंडर 12,000 देखने को मिल सकती है। तो आप मेरे ख्याल से थोड़ा वेट कीजिए, आपको काफी अच्छा ऑफर देखने को मिल जाएगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। अगर आपका कोई सवाल या सजेशन हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।